इसी मुद्दे पर परिवहन मंत्री संदीप सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव ने। यहाँ पर एसी बसें नहीं चल रही थी, करवी, चित्रकूट और बांदा जैसे क्षेत्रों में अभी तक एसी बसें नहीं थी, आज उनकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर से आज हरी झंडी मुख्यमंत्री जी ने खुद दिखाई है और बस में भी बैठे हमारे साथ बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री सतन देव सिंह मौजूद है। सतन देव सिंह जी, जो आज 27 बसें आज के परिवहन बेड़े में शामिल हुई है, इससे कितनी बड़ी आम जनता को राहत मिलेगी? मैं जब प्रवास किया देखा तो महोबा से कोई एसी बसें नहीं और महोबा से कोई ट्रेन भी नहीं है लखनऊ आने के लिए और कोई साधन भी नहीं, व्यवस्था नहीं, इसलिए वहां भी बेड़ा में शामिल किया गया है। जैसे उरई से इलाहाबाद आने के लिए कोई साधन नहीं है, न ट्रेन है, न कोई, न दिल्ली जाने के लिए कोई साधन है, तो बुंदेलखंड और अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी ये अनुभव करने के बाद एक धीरे धीरे सभी गाँव और सभी क्षेत्र जुड़े, इसलिए तहसील जनपद को मैं जोड़ा हूँ कि हर तहसील एसी बस से जुड़े, साधारण एसी और किराया भी कम हो, जन्नत ऐसी अपनी ऐसी बसें हो जो किराए भी कम हो और हर तहसील उत्तर प्रदेश का जुड़े और हर जनपद और हर तहसील लखनऊ से जुड़े, ऐसा एक वातावरण में बना। मुख्यमंत्री जी खुद आज बस में बैठे हैं, लगभग 500 मीटर चले होंगे बस में, कैसा उनका अनुभव रहा है? आप खुद उनके साथ रहे, क्या फील किया उन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री जी बस में सफर करने का जो निर्णय लिया और इतना दूर तक गए एयरपोर्ट जाने के लिए, और वास्तव में ये संदेश उन्होंने दिया है कि सभी लोगों से आग्रह करता हूं, पूरी यूपी के जन सामान्य से और बड़े लोगों से भी, हम बस की ऐसी सुविधा देंगे कि कार से भी अच्छी देंगे और लोग बस में सफर करें, जिसके कारण प्रदूषण भी मुक्त होगा उत्तर प्रदेश, गाड़ियां जो पेट्रोल भी बचेगा और आने वाले समय में जाम भी कम लगेगा। जिस प्रकार लोड सड़कों पर हो रहा है, इसलिए एक एक कार में एक एक व्यक्ति चला जा रहा है, तो आने वाले समय में एक दिन बस डे भी, यानी महीने में एक दिन सभी लोग बस से सफर करें, ऐसा हम विचार कर रहे हैं धीरे धीरे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आपके परिवहन मंत्री सतन देव सिंह जी, जिनका साफ कहना है कि बस में यात्रियों को बढ़ाया जाए, बस में यात्री बैठे हैं, इसके लिए बढ़ावा देने के लिए बस डे की भी शुरुआत की जाएगी। कैमरा पर्सन निखिल राय के साथ अंकित श्रीवास्तव, चैनल 1 न्यूज, लखनऊ।